देखती हूँ आवाज आया है कि नहीं। इजाजत है आपको, उड़ाइए। शानदार, वाह, तो शानदार लगता है जब ये आकाश में उड़ता है तो। मेरे पास मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे घर, बस एयरप्लेन लग रहा है उड़ेगा। ये ना बार बार मुझे तंज मार रहे, मैं बता रही हूँ। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। भारत के कुछ बच्चों की कहानी बताने लाई हूँ आपको। जब आप इस गांव में आते हैं तो आपको सड़कों का अभाव दिखता है, मतलब आप ऐसे समझिए कि 40 किलोमीटर अगर आपको आना है तो डेढ़ से दो घंटे लग जाते हैं इस गांव में आने के लिए। पर इस गांव के बच्चों की मेहनत काबिले तारीफ है। थर्माकोल से इन्होंने कुछ ऐसा बनाया है जो आकाश में उड़ता है। अब ये कैसे होता है ये यही बताएंगे, पहले उड़ा के दिखाइए। बहुत दूर से आए हैं और बहुत जद्दोजहद के बाद आए हैं, तो पहले देखेंगे उसके बाद बतियाएंगे। भाई वो मिग है और इसका क्या नाम है? जेत्रिकप। इसका मतलब ये पूरा मॉडल का नाम है, प्लेन का नाम है मिग 29 का। आप मतलब पूछिए तो मिग 29 मतलब उसका मॉडल का नाम है। और इस साइड हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए लगाए हैं कि इस साइड लिख देंगे तो थोड़ा वजन हो जाएगा, तो शायद इसका मतलब पेंट है कि स्केच है। ये हम लोगों ने आर्ट का जो कॉपी आता है 5 रुपए का, उस पे कलर करके फिर इसको कैची से काट के फिर अंदर उसको लगा के फिर ऊपर से टेप किया है ताकि ये थोड़ा 3D का है। इस साइड लिखे होते और इस साइड नहीं लिखे होते तो बैलेंस में प्रॉब्लम आती शायद, थोड़ा मोड़ा हो सकता है। तो हम लोग क्यों रिस्क लें, क्योंकि इतना रिस्क ले लिए हैं तो और इसका ले और नहीं लेना है। जी मैम, हम लोगों से जो भी मतलब जितना भी हम लोगों से इक्वली बैलेंस हुआ है उतना हम लोग करने की कोशिश किए हैं, ना थोड़ा ज्यादा ना थोड़ा कम। तो अब इसका नाम पूछिए हैं तो बता देते हैं इसका नाम। इसका BCCM विकास चौहान जो कि इनका नाम है। और AC3 का मतलब कि AC से मतलब अभिषेक चौहान और आकाश चौहान और अमित चौहान, और 3 का मतलब तीन लोग। हाँ, और एक चीज और बताना चाहेंगे कि VC AC3 ग्रुप ये हम लोग का छोटा सा चैनल है। अच्छा, YouTube पे है? YouTube पे छोटा सा चैनल बना लिए हैं। बहुत लोग बोले थे कि बना लो, तो हम लोगों ने बना लिया क्योंकि अच्छा बड़ों को बात मानना चाहिए ना, इसीलिए तो अच्छा कि आप बना लिए। कि कितने दिन किन्हीं पत्रकारों पर निर्भर रहेंगे, क्योंकि बहुत लोग दूर से भी आते हैं। तो मान लिया आप कुछ बहुत बड़ा किए और कोई नहीं आ पाया, तो लोगों तक पहुंचाने का काम आप खुद ही कर रहे हैं। और जिनके हाथ में फ़ोन है आज सबकी जिम्मेदारी है कि वो समाज में जागरूकता फैलाएं। और मुझे लगता है कि आप लोगों को देख के कोई और गांव का कोई बच्चा होगा वो भी कुछ सोच रहा होगा कि मुझे भी बेहतर करना है। जी मैम, फ़ोन किए थे एक भाई हैं आजमगढ़ के ही हैं, वो फ़ोन किए थे हम लोगों से, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और भी कुछ करना चाह रहे हैं इसी प्रकार का। तो हम लोगों ने उनका जो भी हो सकता है, शायद उन्हीं का मैसेज अभी आया होगा, और कॉल करते हैं तो हम लोग बताते रहते हैं उनको जो भी डायरेक्शन हम लोग को अच्छा लगता है, जो भी मतलब उनका क्वेश्चन होता है हम लोग सॉल्व करते हैं यूट्यूब पे। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि ये दूसरा कोई ना बनाए, ऐसा नहीं है? जैसे लोग कुछ बनाते हैं तो वो रिवील नहीं करते हैं कि हम नहीं बताएंगे, सब लोग बनाने लगेंगे। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब बताना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि और लोग बनाए अपने भारत देश का तरक्की हो, ये नहीं चाहते हैं बस हमें लोग लेके हम लोग चार लोग को जाने। सर जब ऐसे सभी लोग करने लगेंगे, जब सबके अंदर जागरूकता जागेगी तभी ना भारत का विकास होगा। हम लोग भारत का विकास चाहते हैं, हम लोग ये नहीं। ये बात मैं भी ये कहना चाहूँगा ना कि हम लोग बता देंगे तो ये लोग ये सब चीज़ वो लोग बनाएंगे, तो हम लोग कुछ आगे बढ़ना चाहेंगे ना हम लोग भी कि उनसे बेहतर करें, तो उसी होड़ में हम लोग भी आगे जाएंगे, इसलिए हम लोग बता रहे हैं उन लोगों को। और बताना भी चाहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी मतलब तो पूछ सकते हैं आप लोग। हम लोग स्कूल में ले गए थे, स्कूल में भी बहुत बच्चे फ़ोन किए थे, पूछ रहे थे कैसे बनाएंगे, कितने के मोटर कितने का मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, सब उन पे लिंक भी भेजे थे सब, मतलब जितना हो सके उतना किए थे। ये नहीं कि बोरिंग नहीं हो रहे हैं कि परेशान कर रहे हैं, इनका नंबर ब्लॉक कर दो हटा दो, ऐसा कुछ नहीं, फ़ोन किए थे तो बता दिए थे हम लोग बस। तो इनका ये चैनल है, आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ जाइए इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। भाई मतलब ये गजब का है, अभी आप देखिएगा जब ये आकाश में उड़ता है तो बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सकता कि ये थर्माकोल के। गजब, पता नहीं आवाज़ आया होगा कि नहीं, पर मतलब शानदार लगता है जब ये आकाश में उड़ता है तो। और आप ऐसे समझिए कि खेत खलिहान के बीच के ये बच्चे हैं जो विज्ञान से उतना परिचित हैं या नहीं, लेकिन जब ये उड़ा रहे हैं, गजब शानदार। अच्छा, अभी तक जितने लोग भी आ रहे हैं सब यही कह रहे हैं पहले उड़ा के दिखाइए, देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए बड़ा अनोखा है और लड़ता नहीं है किसी के सिर पे। आपका क्या नाम है? नहीं, आज तक तो नहीं लड़ा है, लेकिन आज पता नहीं लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा मतलब ये कि आप अपनी एकाग्रता खो रहे हैं? हाँ, लग रहा है ऐसा ही मुझे, आज थोड़ा डर लग रहा है ना इसीलिए। क्यों लग रहा है भाई? पता नहीं, तो हमसे आपको डर लग रहा है? हाँ, क्योंकि आपको आज तक मतलब मोबाइल में बस देखा है ना इसीलिए। क्या बात है। अच्छा, मैं थोड़ा से देखती हूँ आवाज आया है कि नहीं। शानदार, तो
भाई गजब, ये मैं उड़ा सकती हूँ क्या इसको? नहीं क्यों? क्रैश जाएगा ना। करो यार भरोसा पे, लेकिन उड़ाने में थोड़ा सीखना पड़ेगा ना हम लोग को। सीखना तो 3 साल लगे सीखने में इसको। अच्छा, तो आप लोग को तो एक घंटे तो लगेगा ना? एक घंटे में आप इसको तोड़ देंगे, फिर तो कोई आएगा तो खाली आ जाएगा ना, इसीलिए। मतलब देखिए इनको ना, इनको हमारी काबिलियत पर संदेह है। ये देखो, ये देखो, अरे अरे अरे, मुझे लगा कि नीचे गिर जाएगा अभी। गजब भाई, ये जब ऐसे सामने से आ रहा है ना, तो ऐसा फील हो रहा है कि ये अभी हमको छू कर जाएगा, ऐसा फील हो रहा है। वापिस स्टंट दिखाएगा। ये जो चिड़िया विड़िया हैं वो यकीन नहीं कर पाती होंगी कि मतलब इसके पीछे लग गए थे दो, एक दिन दो चिड़िया। अच्छा, इनका पीछा कर रही थी। देखिए अभी स्टंट यहाँ पे। अरे उतना ऊपर तो कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पाएगा। अरे अरे अरे, सीधे जा रहा है नीचे। इसको कंट्रोल करना मतलब आपको भी आ जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, इसलिए नहीं दिए हैं, बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं ठीक है, मैं समझ सकती हूँ भाई, मैं समझ सकती हूँ कि ये जो आप आकाश में उड़ती हुई चिड़िया देख रहे हैं थर्माकोल वाली, ये मेहनत करके बनाया गया है। तो बहुत दिक्कत होता होगा आप लोगों को किसी पे भी यकीन करने में, मैं समझ सकती हूँ इस बात। नहीं, एक बार उज्जवल भैया यकीन किए थे तो उसका रिजल्ट मिल गया था उस समय। बताइए अभी कैमरा जो पकड़े उज्जवल, इनका ये प्लेन खराब करके गए थे हैं? खराब नहीं किए थे, कुछ नहीं हुआ था मतलब, लेकिन ऐसे मतलब नहीं उड़ा था, लैंडिंग होता, क्रैश लैंडिंग होता हो गया था, लेकिन कुछ डैमेज नहीं हुआ था। डैमेज नहीं हुआ था। अब इसको लैंडिंग कराए? कराइए। ठीक है, करा रहे हैं उधर से। गजब गजब, पकड़िए लैंडिंग। आपको अच्छा लगा? ओहो ओहो गजब। अच्छा मुझे थोड़ा इसका कुछ साइंस बता सकते हैं क्या, ये मतलब क्या? हाँ साइंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज्यादा साइंस नहीं लगा है। ज्यादा साइंस नहीं लगा है? नहीं ज्यादा साइंस नहीं, थोड़ा मेहनत लगा है बस इसको, मतलब डिजाइनिंग करने। साइंस के स्टूडेंट है? हाँ मतलब मैं तो हूँ, मैं 12th में हूँ अभी फिलहाल में। 12th में? 11th में। हम 11th में। साइंस के हैं? जी मैम। साइंस के हैं? आप बीकॉम कर रहे हैं? बीकॉम कर रहे हैं। हम बीए कर रहे हैं। बीए? आप बीए कर रहे हैं? हाँ। तो मतलब चारों अलग अलग फील्ड के हैं? जी मैम। एक बीकॉम कर रहे हैं, एक बीए कर रहे हैं, एक बीकॉम नहीं बीए, एक इंटर में है, और आप 11th में। तो चार छोटे दोस्त हैं जो कुछ अनोखा करने की कोशिश कर रहे हैं, और मतलब एक ऐसे गांव में कर रहे हैं ना जहां सुविधाएं बहुत बेहतर नहीं पहुंच पाई। और मैं आपको बताऊं कि जहां गाय रहती है जिसको हम लोग गौशाला बोलते हैं, वहां इन लोगों का लैब है, वहां पे ये लोग बनाते हैं। सही हूं मैं? सही, बिल्कुल सही। घर में सब गुप्त पता करके आई हूं। हां तो मुझसे पूछना चाहिए था ना, मैं बताया। बनाते हैं आप लोग घर में? क्यों नहीं बनाते घर में? मतलब ना इसलिए बनाते हैं क्योंकि घर में पापा मम्मी आते जाते रहते हैं ना, तो पापा की नजर पड़ेगी, तो हम लोग मतलब फर्स्ट में हम लोग बताया नहीं थे कि हम लोग बना रहे हैं, इसलिए हम लोग एक ना उसके अंदर आप नहीं गई है, उसके अंदर एक और है सीक्रेट रूम है एक उसके अंदर। अच्छा अभी हम चलेंगे तो आप हमें दिखाइए। हाँ वहाँ भी मतलब गाय का चारा रखाता है। हाँ। वहाँ पे कोई नहीं जाता है जल्दी। तो गर्मी में कैसे बनाते थे भाई? ठंडे में तो मजा आएगा कि ठीक है। हाँ। गर्मी में सीक्रेट रूम और भूसा वूसा के बीच में बनाओगे? फराठा पंखा है ना उसी को लगा लेते थे हम लोग। अच्छा। तो गर्मी नहीं लगता था तो वही बनाते थे। और गर्मी कैसे लगेगा, जब कोई जुनून रहता है तो गर्मी नींद सब चली जाती है। अच्छा पिताजी को कुछ संदेह नहीं होता था ये चार खुरापाती बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं? होता था, पूछते भी थे। हाँ। तो हम लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं, भूसा लो हम का करे, ऐसे नहीं पूछते, पूछते थे ऐसे ही पूछते थे। हाँ। कि का कर लगन इतना मतलब अंदर इतना का कर लगन बड़े खेले से ऐसे पूछते थे। तो हम लोग कहते कि नहीं कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं ऐसे, मतलब ताश वास ये सब तो नहीं खेल रहे अंदर? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा उनको भरोसा है, उनका भरोसा हम तोड़ेंगे भी नहीं ना, ऐसा हम लोग नहीं है। हम लोग बचपन से अपने घर या बस अपने दोस्त के घर और कहीं नहीं जाते हैं, स्कूल दो जगह जाते हैं, स्कूल इनके घर। कोई छोटा कोई बड़ा दोस्त हो गया, कोई 11th में, कोई 12th में, कोई भाई है ना, हम इनके भाई हैं। अच्छा, भाई छोटे भाई हैं? हाँ इनके छोटे भाई हैं। और ये दो लोग भाई हैं? अच्छा। ये इनके छोटे भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं। अच्छा, इसीलिए हम लोग मतलब साथ में रहते हैं। भाई भाई। अच्छा एक शॉर्ट भी वायरल होता है भाई भाई वाला, ये भाई भाई हैं। चलिए अभी आप ये वाला उड़ेगा क्या? इस वाले का आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका एक दिन उड़ाए थे। हाँ। तो इसका प्रोपेलर जो तो नहीं तोड़ा था ना? हाँ लग रहा है तो उस दिन टूट गया था। इसको स्कूल पे लेके गए थे फ्लावर टॉपिंग करने के लिए, तो स्कूल पे हम लोग उड़ाए थे, तो वहाँ पे थोड़ा इनाम उनाम मिला था, तो हम लोग घर पे आकर थोड़ा एक्साइटमेंट हो गए थे क्योंकि फर्स्ट टाइम लेके गए थे। वहाँ बहुत तारीफ किए थे, माला वाला पहनाए थे और बहुत तारीफ किए थे बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट। स्कूल ले गया था आप क्या? हम किसी का स्कूल नहीं था वो। हाँ। हम लोग वहाँ पे ले गए थे, यहाँ बगल में स्कूल है एक। हाँ। कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ पे ले गए थे। वहाँ के प्रिंसिपल है, वो देखे थे एक दिन हम लोग उड़ा रहे थे यहीं पे, तो रिक्वेस्ट किए थे कि लेके आओ।
फ्लावर डॉपिंग सिस्टम दिखाना बच्चों को, बच्चों को इंटरेस्ट है तो थोड़ा वो भी आएंगे तो मतलब देखेंगे तो उनका भी उत्साह बढ़ेगा तो कुछ भी करना चाहेंगे। तो बहुत लोग आगे भी आए थे कि हम लोग बनाना चाहते हैं, तो हम बोले कि हाँ हम कुछ बताएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी मेरा नंबर लिए तो कॉल भी किए थे, पूछे भी, अब पता नहीं शायद उन लोग का उत्साह चला गया होगा। तो हम लोग मतलब आप लोग प्राइवेट स्कूल से पढ़े कि सरकारी स्कूल से? प्राइवेट स्कूल से। अच्छा। मैं सरकारी में एक भी दिन नहीं गया। आप गए? शुरुआत में गए थे। अच्छा। तीन चार क्लास में हम गए उतना ही। अच्छा, कितने पैसे का बना ये? दोनों मॉडल मिलाकर 20,000 लगा। अच्छा, तो उतना तो परिवार की स्थिति रही नहीं होगी। हम परिवार को बताया नहीं थे। तो कहाँ से जुगाड़ करते थे? पॉकेट मनी से, जो खाने के नहीं मिलता है दुकान पे 5-10 रुपए जैसे डेली को बच्चों को मिलता है ना, उसे हम लोग को भी मिलता था। 20,000 रुपए हो गया। वो कलेक्ट करने में जो समय लगा है वही तो समय महत्वपूर्ण है। मतलब हम लोग को पैसा कलेक्ट करने में बहुत समय लग गया, बनाना तो जुनून था लेकिन पैसा कलेक्ट करने में हमको 2.5 साल लग गया पैसा कलेक्ट करने में। 4 लोग मिल के जुटा 15,000 हम लोग जुटाए और 5,000 इनाम मिला था। यहाँ के बंगरिया के श्री बबलू चौहान यादव सिंह है, वही हम लोग को 5,000 पे गए थे मार्केट में उड़ाने के लिए ना, तो 5,300 इनाम दिए थे तो उसके तहत वो MiG-29 बना। अच्छा, पहले ये आप लोग बना रहे थे? अच्छा। इसी में तो मतलब पैसा लग गया क्योंकि इसका पंखी बहुत बार टूटा है ना, बार बार इसका पंखी टूट गया। इसका पंखी लगभग 200 का एक आता है तो कॉस्टली था, तो हम लोग को मतलब टूटता था तो हम लोग ऑर्डर करते थे अमेजोन पे किसी दूसरे वेबसाइट पे, तो 1-10 दिन लगता था आने में, इसलिए बहुत समय लग गया क्योंकि एक बार अगर टूटा तो फिर 10 दिन डिले हो जाता था। टूट जाता था प्रैक्टिस में जब उड़ाने की कोशिश, पता नहीं था जब आप जैसे मतलब रहेंगे रहे होंगे हम लोग भी ना, जैसे कुछ पता नहीं था, बस बनाए थे देख रहे हैं अच्छा लग रहा है एरोप्लेन लग रहा है उड़ेगा ना, बार बार मुझे तंज मार रहे हैं मैं बता रही हूँ। हाँ, दूसरी लाइन पे बोले आप जैसे, जब आप जैसे तो अरे यार तुम इस फील्ड में बेहतर हो हम इस फील्ड में बेहतर है तो क्यों कंपेयर कर रहे हो? हाँ ये बात सही है, बेइज्जती मत करो, जिंदा नहीं कर रहे। जैसे आप मांगे उड़ाने के लिए ना तो मतलब हमको लगा आपको बुरा लगा होगा लेकिन बताना चाहते हैं हाँ, क्योंकि आपको पता नहीं है तो शायद आप भी क्रैश कर जाए तो हम लोग को फिर 10 दिन तक रुकना पड़े, इसीलिए आपको नहीं दिए बस और कोई बात नहीं है। तो इधर आइए उज्जवल, थोड़ा ये स्टार्ट कैसे होता है ये थोड़ा बताइए। ये इसका मोटर का है, इसको जिस प्रोपोर्शन में आप आगे करेंगे यहाँ पे मोटर का स्पीड इंक्रीज होगा। हवा काटता है तो पीछे की ओर हवा फेंकता है तो आगे की ओर प्लेन को धक्का मिलता है, इससे आगे जाता है। अगर बाएं दाहिने काटना हो तो देखिए यहाँ इससे लेफ्ट होगा, इसको आप लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट होगा ये, इसको आप राइट करेंगे तो राइट होगा, इसको जब नीचे करेंगे तो प्लेन अप होगा, जब दोनों एक साथ ऊपर नीचे होता है। सर्वो मोटर लगाएगा यहाँ से अप डाउन, अब यहाँ से लेफ्ट राइट। तो ये कहीं देखा था आपने ये? हाँ, किताब में पढ़े थे? नहीं, यूट्यूब पे देखा है ऐसे ही काम करता है, तो हम लोग भी बनाए थे लेकिन सक्सेस नहीं हुआ था तो इसमें कुछ मतलब कुछ बदलाव किए तो अब। अच्छा ये बताइए, अगर ये थर्माकोल की जगह अगर लोहे की चादर या टीम की चादर का इस्तेमाल? हाँ, एल्यूमिनियम का बन सकता है, उसके लिए थोड़ा पावरफुल मोटर लगेगा तो उसका कॉस्टली होगा, तो हम लोग जो सामान इजिली अवेलेबल था उतना हम लोग किए हैं। पड़ सकता है मतलब अगर कितने से पड़ सकता है तो? मतलब अगर इतना ही मॉडल का बनाना चाहेंगे तो लगभग 40,000 रुपये लगेगा, क्योंकि उसमें EDF जेट लगेगा, जेट EDF का जो जेट होता है ओरिजिनल वाला वो लगेगा, और इसमें हम लोग EDF जेट भी लगा देते हैं तो थर्माकोल का है तो पिघल जाएगा उसके आँच से, तो इसीलिए नहीं लगाया मतलब सब चीज़ देख के, और ये आसानी से मिल जाता है, सस्ता भी था इसीलिए हम लोग इसमें थोड़ा इसका डिज़ाइन देने में प्रॉब्लम नहीं होता था। अगर हम लोग स्टील का लाएंगे तो इसमें डिज़ाइन देने में प्रॉब्लम होगा ना, उसका ग्रेंडर करना पड़ेगा क्या क्या वेल्डिंग सोल्डिंग। अभी तो ब्लेड से काम चल रहा है, ब्लेड से काम चल चला, ग्लूगन चपका आपका काम चल गया, क्रैश हुआ तुरंत गर्म जाकर रिपेयर कर लिए, 5-10 मिनट लगा, इसीलिए हम लोग ये सब डिजाइन किए हैं। हाँ, क्रैश फिर एक बार और करवाया, क्रैश करवाया। तो ये इधर मोटर लगा हुआ है? मोटर नहीं, वो बैटरी। ये बैटरी है जी। मतलब मैं एक बात बताऊं, कभी कभी ना मतलब गर्व फील होता है कि जहाँ तक सरकार की योजना नहीं पहुँच पाई वहाँ तक विज्ञान पहुँच गया है। मतलब गांव के बच्चे जो कोई 11th में है, कोई 12th में है, कोई BA कर रहा है, कोई BCom कर रहा है, और वो बच्चे कुछ बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आप लोग अपने बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे बताइए कि नहीं, मेरा नाम अभिषेक चौहान है, मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, मेरे स्कूल का नाम रमादी पालवाल है, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, मतलब इन्हीं सब चीज़ में इंटरेस्ट है मेरा, थोड़ा मोटर्स करना है, मोटर्स नहीं एरोनॉटिक्स स्पेस इंजीनियरिंग या ऐसे कुछ, एरो मॉडलिंग एरो डिज़ाइन थोड़ा सा हो गया मेरा, थोड़ा सा बता दीजिए। मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता, मेरे स्कूल का नाम रमादी पालवाल इंटर कॉलेज है, मुझको भी बहुत मतलब इंजीनियरिंग में जाना है, मैं उसको इंजीनियरिंग बहुत इंटरेस्ट है, मतलब हम लोग इसी फील्ड में कुछ आगे बेहतर करना चाहते हैं। तो ये बताइए, ये पहला कुछ खुराफा था या इससे पहले भी बहुत कुछ बना चुके हैं? आप लग रहा है कोई बताया तो तब आप पूछ रही हैं? नहीं नहीं, मैं ऐसे सबसे पूछ। हाँ, तो हम लोग बचपन से ही कुछ ना कुछ करते रहते थे, हम लोग बनाया इससे पहले छोटा छोटा चीज एक्सपेरिमेंट कैसे भी करके,
जैसे घर में हम लोग ना जब बनाते थे कुछ ना, तो जैसे प्लास्टिक व्लास्टिक जलाते थे या कुछ सोल्डिंग वेल्डिंग करते थे, तो महक आता था उसका, तो मम्मी परेशान हो गई थी उससे। एक बार हम लोग मारी भी थी इस वजह से कि मतलब फूटा था कि नहीं, वैसा नहीं मारी थी, इतना नहीं मारी थी, भाई इमेजिन कर ले रही है। नहीं, मेरी मम्मी एक बार मेरी सतानी मुझे मारी थी, और फिर मेरा जब सर फूटा था तो खुद ही रोते हुए गई थी उसका पट्टी वट्टी कराने। और हम लोगों ने एक सीप बनाया था रिमोट कंट्रोल, उसमें हम लोग ये रिमोट नहीं था हम लोग पास, जो रिमोट कंट्रोल गाड़ी आता है जो मेले मिलता है उसी से उसका इंजन निकाल के। लग रहा है ये भी कुछ उड़ने वाला प्लेन का ही ये लिया हुआ है, ड्रोन का है, इसे ड्रोन उड़ा सकते हैं आप, एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, कोई भी चीज। ये आपका बनाया हुआ नहीं है, ये ऑनलाइन मंगाया है यहाँ अमेजोन से। इसके अंदर असेंबल किए होंगे आप? इसमें सेटिंग बस किए हैं, बस एक सेटिंग होता है बस, वही कंप्यूटर के द्वारा किए हैं यहाँ से। अच्छा, इसका मैनुअली भी यहाँ पे सेटिंग होता है यहाँ से बटन से। तो इसके ये मतलब हम लोग नहीं बनाए, ये बना भी नहीं सकते हैं शायद, ज्यादा पढ़ेंगे बहुत ज्यादा तब बना सकते, कोई बनाया ही होगा ना। अभी ट्वेल्थ के स्टूडेंट, हाँ ट्वेल्थ के स्टूडेंट को नहीं बना पाए, मुझे लगता है आगे में उतना किए हैं, उतने के लिए आप लोग का आना पड़ा, ये बनाएंगे तब कौन कौन आ जाएगा, तब हम बुला लाएंगे बड़े बड़े लोगों को। ठीक है, जो 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 फील्ड में नहीं उतरते हैं, एसी वाले कमरे में बैठते हैं, उन पत्रकारों को बुला के लाएंगे। अभी तो एसी में बैठती है ना? नहीं नहीं, मैं एसी में नहीं बैठती, अच्छा। मैं गांव में घूमती हूँ। हम लोग एक सीप बनाया था रिमोट कंट्रोल, उसको वो बहुत इतना बड़ा था, वो भी उसको भी मतलब पानी में चलाया था हम लोग, भी बहुत अच्छा चल रहा था। और फ्यूल बनाया था एक बार, अच्छा प्लास्टिक से बनाए थे, उसमें हमारे पास मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे घर, बस पिताजी के पास मोबाइल था, पिताजी के पास लोग हम लोग छूने नहीं देते थे वो हम लोग को, कि हम लोग छोटे छोटे थे, खराब कर देंगे, गेम हम खेलते थे ना इसीलिए नहीं छूते देते थे, उसका प्रोसेसर खराब होता था, हैंग करने लगता था, लैग करने। हम लोग प्लास्टिक को जला के उसको खोला, खोलाते खोलाते एक ऐसा स्टेज आया, बस थोड़ा लिक्विड बचा था उसको, उसमें हम सलाई बार के देखे तो मतलब फ्यूल की तरह काम पूरा कर रहा था। तुमको पूरा नहीं बताया वो ना, वो लिक्विड लिक्विड हो गया पहले, सॉलिड से लिक्विड बदल था, हम उसको गर्माए गर्म किए उसको, तो फिर लिक्विड से वो वेपराइज होने लगा, उसका गैस था वेपराइज होने लगा, फिर हम लोगों ने उस वेपर को कंडेंस किया तो वो मतलब लिक्विड में। ये कैसे कर रहे थे मतलब, जैसे वो हवा था वो तो उड़ जाता, फिर उसको कैसे कंट्रोल कर रहे थे, कैसे किसी चीज में कैप्चर करके? कैप्चर नहीं कर रहे थे, जैसे जहाँ से गैस निकलता था ना वो वाला, वहीं पर थाली लगा दिए थे, और थाली लगा दिए थे थाली, और वहाँ पे हम लोग पानी का छीटा मारते थे, पानी जैसे थाली ठंडा था तो वेपर होता था, आधा वेपर उड़ जाता था, 50% उसमें से जैसे लग के ठंडा होके दे दिया जाता था, मतलब 100% एफिशिएंसी नहीं था लेकिन मतलब बन गया था। उसको हम लोग स्कूल में ले गए थे, उसको जलाए हुए थे टेबल पे बेंच पे, पूरा क्लास में गया था, कोई यकीन नहीं मान रहा था, कोई केरोसिन है कोई पेट्रोल करा था कि मिला के बनाया, लेकिन हम लोग को पता था ना कि हम लोग मतलब बिना देखे बनाए थे, बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग को, वो हम लोग को फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, और उसी से बहुत प्रेरणा मिला हम लोग को, बहुत तारीफ की, मतलब इन्होंने मेरी तारीफ की, मैं आगे। अच्छा, ये मतलब जो आप बता रहे हैं प्लास्टिक जलाने की कोशिश की, ये टेंथ का सिलेबस भी था कि कैसे ठोस को द्रव बनाना है, द्रव को गैस बनाना है, ये सिलेबस भी था। तो मतलब हमने सिर्फ किताब में पढ़ा रटा और टेंथ पास हो गए, कुछ बच्चे थे जो पढ़ने के बाद उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो सारे साइंस के रहे थे, फिर बाद में बीए में चले गए थे, सारे साइंस के थे। आपके टीचर तो बड़े खुश होते होंगे जो साइंस के होंगे। क्यों नहीं खुश होंगे, इतना हम लोग वायरल हो रहे हैं देख के खुश होंगे ही नहीं। अच्छा, कभी फोन किए यार बेटा तुमने तो नाम नहीं, अभी तक फोन नहीं। हम लोग स्कूल गए थे, स्कूल में लालगंज के सीओ सर आए थे और एचडीएम सर भी आए थे, स्कूल में प्रोग्राम था बच्चों का, मतलब कुछ सवाल जवाब। जिसमें आप लोग पढ़े हैं ये चारों लोग, हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े। तो क्या बोला गया स्कूल के? स्कूल में मतलब जो मैनेजर सर थे हम लोग के, यहाँ के लेखपाल भी वही है, वो मैनेजर है, उनका हिंदी मीडियम स्कूल भी है बड़ा, और इंग्लिश मीडियम भी है, दो स्कूल है, तो हम लोग हिंदी मीडियम फिलहाल में पढ़ते हैं, टेंथ के बाद हिंदी मीडियम में आ गए, तो वहाँ पे हम लोग ले गए थे, उनका परमिशन था, वो रिक्वेस्ट किया था कि आइए हम लोग को स्कूल पे दिखाइए एसडीएम सर को, मतलब कुछ आप लोग को देना चाहिए या कुछ करना चाहिए आप लोग ले तो कर सकते हैं, तो हम लोग ले गए थे, तो मतलब हम लोग उड़ाए उनके, मतलब उनको बहुत इंटरेस्ट था, देखे बहुत खुश हुए, जो सीईओ सर हैं वो हम लोग को 200 रुपये का पुरस्कार भी दिए थे, और अपना फोन नंबर भी दिए कि कोई भी बात होगी कोई परेशानी होगी कहीं भी तो मुझको कॉल करना, मैं तुम्हारे लिए हरदम हाजिर हूँ, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा, इतना मतलब सम्मान मिला। लेकिन जो एसडीएम सर थे उनको लग रहा था कि थोड़ा कम इंटरेस्ट था, क्योंकि हम लोग उनको मतलब रुकवा के एक्सक्यूज मी सर वन क्वेश्चन कैन यू आंसर प्लीज, पूछिए सर से कहाँ पूछ सकते हैं, तो पूछिए सर आप हम लोग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा कर देंगे, थोड़ा बुन बुन से तारा बढ़ता है, कुछ करिए हम लोग के लिए कि हम लोग पढ़ लें, और कुछ मतलब हम लोग बनाना चाहें तो उसके लिए सामग्री मिल जाए, कोई लैब या कोई वर्कशॉप ऐसा कुछ, तो बोले थे कि यूट्यूब पर चढ़ाओ वीडियो इनकम होगा, हम कहें सर हमको पब्लिसिटी नहीं चाहिए, तो कहें कि जाके जहाँ पे ये सब प्रतियोगिता आता है वहाँ पे जाके दिखाओ, वहाँ पे पुरस्कार मिलेगा। सर कहें हम पुरस्कार भी नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या क्या करना चाहते हो? सर हम करना चाहते हैं, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपने जिले के लिए करना चाहते हैं, गाँव के लिए करना चाहते हैं, माँ बाप का नाम हो इसलिए करना चाहते हैं, तो कहें कि कुछ बोलने के बाद, कुछ समय बोलने के बाद
क्या पता नहीं उन पे क्या असर पड़ा, तो बोले कि ठीक है मैं बात करूंगा कोई बाल विकास कल्याण कोई स्कूल स्कूल हाँ बस फिर आज तक कोई पता नहीं कुछ नहीं। तो लगभग क्या मांगे क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग अपना हुनर यहीं तक नहीं रुकने दें, उसके आगे और बढ़ाने इसका और बड़ा पैमाने पे हम लोग बनाना चाहेंगे, पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हम लोग के पास मैम ये सब हो सकता है। पढ़ाई अभी मैं पढ़ाई का है हाँ हो जाएगा, लेकिन अगर अभी यही सब पढ़ने लगेंगे तो पढ़ेंगे कब, यहीं तक सीमित रह जाएगा हम लोग का ना नॉलेज फिलहाल में यहीं पे रुक जाएगा, तो हम लोग आगे कुछ बड़ा तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए फिलहाल हम लोग क्या दिक्कत आ रही है हम लोग अभी पढ़ने में क्या दिक्कत अभी लोग हम लोग पढ़ नहीं, हम लोग के घर के जैसे वहाँ के हाँ आर्थिक स्थिति नहीं है, फार्मर हम लोग के पिताजी हम लोग के हैं, तो हम लोग इसलिए अपना ये टैलेंट दिखा रहे हैं कि सब हम लोग को जाने हम लोग को और आगे बढ़ाएं, हम लोग का यही मांग है और क्या। तो अभी तक जो अधिकारी टाइप लोग हैं वो लोग कितना सपोर्ट कर पाए? अधिकारी टाइप आपको बताएं कि नहीं आपको नहीं बताएं, यहाँ के गाजीपुर के एक हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी सेना के प्रमुख हैं, पवन लाल माननीय पवन चौहान वो आए थे हम लोग के यहाँ परसों आए थे। सेना प्रमुख हैं? नहीं उनका एक ग्रुप है संगठन है, वो ऐसे ही लोगों का मदद करते हैं जो भी प्रॉब्लम में, तो हम लोग को मदद करने के लिए मतलब आए थे, प्रॉब्लम इतने थे लेकिन हम लोग का टैलेंट को देखे थे तो वो गाजीपुर से चल के लिए हम लोग को पर्सनली आए थे, तो हम लोग को इनाम भी दिए थे कि आगे बढ़ो, 5,000 रुपये इनाम भी दिए थे और कहें कि कोई भी बात होगी हमसे बताना, अब हम लोग बताएं उनको कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो बोले कि हम लोग करेंगे एक एक रुपये लेंगे सबसे, मतलब जितना हम लोग का हो सके आप लोग ले करेंगे पूरा सपोर्ट करेंगे पूरा, लोग आए थे उतना दूर से हम लोग चल के लिए आए थे, उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा एकदम। तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि पढ़ाई इतनी महंगी है कि पिता पे बोझ बन रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? जी मैम, जिस घर में मतलब एक दो बच्चे होंगे उतना तो पेरेंट्स को लोड नहीं पड़ता होगा, और जिस घर में फार्मर पिता फार्मर हैं और बेटे 3-4 हैं मतलब, तो वो कैसे सबको मतलब इक्वली कैसे पढ़ा पाएंगे सबको, और दिक्कत तो होगा ऐसे वाइक बात है क्योंकि फार्मर कितना इनकम या कितना व्यवस्था कर पाएगा, इसीलिए देखिए ये जो गांव के बच्चे हैं वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं भारत को आगे बढ़ाने की, ये मेहनत करेंगे बेशक करेंगे, कभी भूसौले में बैठ के करेंगे तो कभी खेत खलिहान में जाकर बैठ के मेहनत करेंगे, लेकिन जिन पर जिम्मेदारी है वो लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं बार बार आपको इसीलिए कहती हूँ कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, जब शिक्षा सस्ती होगी तो गांव तक पहुंचेगी और गांव के बच्चे भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, इनको भी मन होता होगा कि फ्री फायर खेल लें पबजी खेल लें, और खेल बचपना है खेलना चाहते हैं, लेकिन ये बच्चे उस समय को बचा रहे हैं कुछ बेहतर करने के लिए, ये अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिन पर जिम्मेदारियाँ हैं वो लोग नहीं समझ रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं इनकी भावनाओं को कैमरे में कैद करते हैं और चले जाते हैं, क्या कर सकते हैं हम, आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब आप समझिए कि जब शिक्षा हर दरवाजे पर पहुंचेगी तभी सचमुच देश का विकास हो पाएगा। आज ये बच्चे कह तो रहे हैं कि पढ़ना है, आगे जाकर अगर इनके या इनके या इनके बहन की शादी होगी तो एक बार ये सोचेंगे कि पढ़ाई करें या बहन की शादी कराएं, तो फिर इनके सामने जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ये पढ़ाई बीच में रोक कर अपनी बहन की शादी कराने जाएंगे और शादी का पैसा इकट्ठा करने के लिए कहीं मजदूरी ना करने लगे। तो बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को इतना मजबूर मत करिए, अगर ये बच्चे मैं मानती हूँ कि इनमें अभी कमेंट आएंगे सोशल मीडिया पर, कमेंट करने वाले लोगों की भरमार है, लोग आगे करेंगे ऐसा क्या इसने बना दिया है, तो जो लोग कमेंट करेंगे उनसे कहना है कि आप अपने घर बना लीजिएगा पहले तब कमेंट करिएगा। और दूसरी बात कि बच्चों ने कोशिश की है, अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो मत करिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाइए, शिक्षा हर दरवाजे पहुंचाइए और सस्ती से सस्ती पहुंचाइए, ताकि जब हम गांव की पगडंडियों पर खड़े होकर ऐसा जहाज और प्लेन देख रहे हैं आगे जाकर ये बच्चे ना जाने क्या बेहतर बनाएं, लेकिन मौका देने की ज़रूरत है और बस यही नहीं पहुंच पा रहा है। अगर बच्चों को इस बात की चिंता है कि मैं पढ़ाई कर पाऊँगा या नहीं, तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, मतलब आर्थिक प्रॉब्लम हो वो ठीक है उसके लिए जद्दोजहद है वो भी ठीक है, लेकिन पढ़ाई के लिए सोचना पड़े तो इससे बड़ी और कोई चिंता की बात हो ही नहीं सकती है मेरे समझते, सही कह रही हूँ कि नहीं? जी, मतलब पढ़ाई के लिए क्यों सोचना है, आप ये बना रहे हैं इसके लिए पैसा इकट्ठा करना है वो समझ में आ रहा है, लेकिन पढ़ाई के लिए सोचना पड़े तो फिर ऐसा नहीं है कि शिक्षा भी सबको नहीं मिल पा रही है, जो गरीब परिवार है वो कुछ बहुत बड़ा बढ़िया करना चाह रहा है लेकिन आर्थिक परेशानी की वजह से रुक जा रहा है, ऐसा होता है कि नहीं? जी मैम होता है बहुत, हम देखे भी हैं बहुत लोग मतलब ऐसा है कि मतलब पढ़ाई की वजह से रुक जाता है वहीं पे। हमारे गांव में भी हमारे गांव में भी कुछ लोग हैं कि अपने घर की सिचुएशन देख के बाहर भी जा रहे हैं कमाने के लिए, बॉम्बे हाँ बस घर कुछ लोग का गिर गया है, वो अभी लोग अपने घर की स्थिति देख कर हाँ घर बनाने के लिए चले जाए कुछ भी करने के लिए चले जा रहे हैं, इसलिए पढ़ाई भी पूरा कर पा रहे हैं। कुछ करना है पक्का है पक्का
एक बार और बुलाएंगे आपको, आना पड़ेगा, बुलाएंगे नहीं आना पड़ेगा, ऐसा लोग कुछ करेंगे, सपोर्ट करें चाहे नहीं करें, वो तो सोच लोग करेंगे तो भले मतलब समय लगे, कोशिश जारी है कि हम लोग कुछ करेंगे और कर भी रहे हैं, प्रोजेक्ट हम लोग का चालू है, मतलब जो करना चाहते हैं बता दिए तुम। अच्छा मुझे पहले पता चल गया आप लोग कुछ बड़ा बना रहे हैं, मुझे पता चल गया है। हम लोग ना पता है, हम लोग ऐसे पता करते रहते हैं, हम पत्रकारों का काम ये है। देखिए हमसे पहले किसी और से जाते हैं, पहले पूछते हैं ना हम लोग के बारे में, तो हम लोग गांव में पहले पता करते हुए आते हैं कि क्या बना है, कैसे हुआ है, क्या हो रहा है, तो पता चल गया है कि अभी ये थोड़ा छोटा है, इससे बड़ा बन रहा है। मैं इन 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 भाइयों को ना बस सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि ये अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि जो जुनूनी बच्चे होते हैं उनके उनका जुनून कोई नहीं तोड़ सकता। मतलब आप उन्हें अभाव में बेशक रख सकते हैं, आप उनसे संसाधन भले छीन सकते हैं, आप उनको बेकार से बेकार परिस्थितियां भले दे सकते हैं, लेकिन जो जुनूनी बच्चे होते हैं उनका जुनून कभी कम नहीं होता, इनका भी नहीं कम होगा, मैं गारंटी दे सकती हूँ। आज जब इनके घर में गई थी तो एक यही भाई थे, ये बता रहे थे कि जहाँ गैया बनाती है वहाँ पे ये बना रहे हैं, तब मुझे एक बात समझ में आई कि जिनके पास संसाधन है वो बच्चे पंखे में बैठकर भी अपना प्रोजेक्ट नहीं लिखते हैं, उनको एसी चाहिए तब लिखेंगे। जो जिनके पास संसाधन है उनके पास बहाने बहुत हैं, और जिनके पास संसाधन नहीं है वो कहीं भी मेहनत कर सकते हैं। आज कल कहीं मतलब ज़्यादा भूसा आ गया तो उस पेड़ के नीचे भी बैठ कर ये बच्चे बना लेंगे, क्योंकि इनके अंदर जुनून है और जुनून को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। सही है कि नहीं? जी जी। तो एक बार बोलेंगे भारत माता की जय, तेज बोलो जय।